श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। बहुत बड़ा मंदिर था राजमठ, इतना बड़ा मंदिर था। श्री प्रभु महाराज उस देवी के मूर्ति से खेल खिलड़ा करते थे, उसके आँख पे, नाक पे, कान पे, मुंह पे सब हाथ रखते थे, श्रीकर रखते थे और उससे उसके साथ खेल खिलड़ा करते थे। यानी उनके साथ बोलते थे, तुम्हारा नाम महाकाली है, तुम महाकाली हो, ऐसे श्री प्रभु बाबा खेलते थे। वो एक काल है और तुम महाकाल हो, वो महाकाली हो, ऐसे श्री प्रभु बाबा उसके साथ खेलते थे, खेल खिलड़ा करते थे। और यहाँ 72 खंबे थे, 72 खंबे थे, बहुत बड़े बड़े, उनके खंबे से सात खेल क्रीड़ा करते थे, भागते थे, दौड़ते थे। उस चौक था, चौक में निद्रा करते थे। श्री प्रभु का बैठने का स्थान है, आसन करने का स्थान है, मूर्ति के साथ खेल क्रीड़ा करने का स्थान है। बहुत बड़ा मंदिर था राजमठ, इतना बड़ा मंदिर था। यहाँ देखो उधर डायग्राम दिखा है ना, वो डायग्राम है उधर मंदिर का। और पीपल का पेड़ था, 14 स्थान थे इस जगह पे। चौकट के साथ खेलते थे, दीवार के साथ खेलते थे, ऐसे दीवार के अंदर पीछे रहते हैं ना, ऐसे उसके अंदर जो जाने के रास्ते रहते हैं उनकी, उसमें जाके बैठते थे श्री प्रभु महाराज। पीपल को प्रदक्षिणा करते थे और खंबे को खेलते थे। इस मंदिर में हर बार आके खेल खड़ा करते थे। बहुत बड़ा मंदिर था, एक चौक वाला स्थान है श्री प्रभु महाराज का। और नौ भद्रा देवी की मूर्ति थी, नौ मूर्ति थी देवी की, यहाँ नौ देव देवताओं का मूर्ति था। और बड़े सबसे बड़ी महाकाली की मूर्ति थी। श्री प्रभु बाबा ज्यादा से ज्यादा महाकाली के साथ खेल खड़ा करते थे, खंबे के साथ खेलते थे। 14 स्थान दो लिंग है यहाँ देखो, उनके साथ श्री प्रभु बाबा खेल खड़ा करते थे। Thank you.
शांति।